मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। क्या मैं कभी इस घर में खुशियां मोहब्बत नहीं देख पाऊंगा? क्या आप कभी नादिया के सर पर शफकत भरा हाथ नहीं रखेंगे? इसलिए तो कह रही हूँ कि जाओ जाके उसे ले आओ। राजा आइंदा से ख्याल रखना। किस बात का? यही कि मेरी कोई बात शेयर नहीं करना उनसे। तुम जिनकी बात कर रही हो वो मेरी माँ है। देख के शुक्र है मैंने आपको पकड़ लिया, अपना गिर जाती आप। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। देख के शुक्र है मैंने आपको पकड़ लिया, अपना गिर जाती आप। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं मैं बस निकलती हूँ। खड़ी क्यों हुई बेटा? ये कुछ ठीक नहीं लगी लड़की, कुछ अजीब सी अनुमान। हुमा? अरे नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, लड़की बहुत अच्छी है, इसने बहुत हेल्प की है हमारी नादिया के मामले में, आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमारी। नहीं कुछ है इसमें अजीब सी बात। अच्छा क्या फजूल सोचती रहती हो? अच्छा बैठो तो सही, बैठो आओ बैठो। रानी जल्दी आ जाओ यार। रेडी? वाह आज तो मेरी रानी सच में रानी लग रही है। कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। भाई मेरी भी तारीफ कर दिया करो, बताओ कैसी लग रही हूं मैं? मेरी बहन तो हमेशा से प्यारी लगती है, इसमें नई बात कौन सी है? वो तो है। और वैसे भी तुम मेरी बहन हो, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? ये क्या बात हुई भाई? तुम दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई भाई, देर हो रही है, चलो चलते हैं। अम्मा मैं तो काफी देर से तैयार हूँ, यही तैयार नहीं थी। जी बिल्कुल। वैसे भाई आपने अच्छा किया कि आउटिंग का प्लान बना लिया, वरना घर पे पड़े पड़े तो मैं बोरी होने लगी थी। वैसे राजा मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ जाते हुए खुश नहीं है। रानी ऐसा क्या? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो वैसे भी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना शुरू से ही पसंद है। तो अब हम लोग चले? चल। आज हम कितने दिनों बाद बाहर निकले हैं ना? हाँ आज मेरा दिल किया कि मैं जल्दी घर आऊं और हम लोग बाहर निकल जाएं। क्या देख रही हो? कुछ फिर भी पता तो चले कि मेरी बेगम मुझे ऐसे क्यों देख रही है। आज आप बिल्कुल पहले वाले नहीं लगे। अच्छा वही हंसी वही खुशी वही मस्ती वही प्यार, पता है बहुत याद आता था मुझे ये सब कुछ। सोचती हूँ हम कहीं चले जाएं, बहुत दूर, और कोई ना हो, सिर्फ मैं आप और हमारा बेबी, ना कोई ताने ना कोई बातें ना किसी की मदाखलत, बस हम हो और एक सुकून वाली जिंदगी हो हमारी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे से प्रॉब्लम क्या है। जिनकी मदाखलत और रोक टोक की वजह से तो बेसुकून हो रही हो ना, वो मेरी माँ है। नहीं मैं तो अब तो अब्बू भी नहीं रहे, तुम क्या चाहती हो? इस बुढ़ापे में मैं अम्मी को अकेले छोड़ के तुम्हारे साथ चल पड़ूं? मैं आसमान से गिराऊं या तुम मुझे दरख्त से तोड़ के लाई हो कि मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं? नहीं मैं तो देखो ना ये बात अपनी गिरह में बांध, मैं अम्मी को छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन अम्मी को छोड़ना नामुमकिन। तुमने अपने दिल में जो मेरी माँ के लिए बोझ पाल लिया ना, उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हें रहना तो उनके साथ। मैं तुमसे कह रहा था कि मेरा दिल घबरा रहा है, मैं अपना ध्यान बटाना चाह रहा था और तुम हो के नहीं
I'm sorry. आपको मेरी बातें बुरी लगी. मेरा मतलब बिल्कुल भी आपका दिल दुखाना नहीं था. मैं तो बस ऐसे ही. मेरा ख्याल है कि घर ही चलना चाहिए. ऐसा भी क्या हो गया है? नहीं, पहले तो आप मेरा चेहरा पढ़ लिया करते थे, कहे बगैर मेरे दिल की कैफियत जान लेते थे, और अब? बाबा, आप ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए थे? पर मुझे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है. बस बेटा, कुछ थकन का एहसास हो रहा था, इसलिए उठकर आ गया. अपना ख्याल क्या कीजिए ना. अब घर में तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन ऑफिस में तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है ना. तो तुम आ जाया करो ऑफिस में मेरा ख्याल रखने के लिए. तुम्हें कितनी मरतबा कहा है कि बिजनेस के मामलात में मेरा साथ दो, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो. आप तो जानते हैं मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपकी मोटी मोटी फाइल्स देख के ना मुझे तो खौफ आता है. अरे हाँ, फाइल्स से याद आया, ये नुमान कहाँ है आज? मैंने इतने कॉल्स किए कि कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा. अच्छा, लेकिन क्यों? कल एक मीटिंग हुई थी बहुत इम्पोर्टेंट, वो एक फाइल थी जो उसके पास थी. तुम उसे कॉल करके कह देना कि मुझे ऑफिस में पहुंचा दे या घर पर ले आए. लेकिन उसे ये कह देना कि प्लीज मेरा फोन उठा लिया करे, वो मेरा कर्जदार थोड़ी है जो इस तरह भाग रहा है मुझसे. बाबा आप भी ना, अब आप जाएं आराम करें जाके, आपको आराम की बहुत जरूरत है. अच्छा लग रहा है ना सब कुछ. भाई, रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा है. मेरा बेटा है ही अच्छा. भाई भाई बुलाए ना वेटर को, ऑर्डर तो दें. मम्मी क्या मंगवाए? भाई मेरे लिए तो तुम डील नंबर 2 मंगवा लो और डील नंबर 3 मंगवा लो. गुड्डी तुम भी बताओ. ठीक है. गुड्डी तुम्हें? भाई मेरे लिए तो डील 6 मंगवा रहे हैं. और रानी तुम? रानी से क्या पूछ रहे हो? हमने जो मंगवाया है वो बहुत है ना. नहीं प्लीज, रानी का भी दिल है, रानी से पूछना जरूरी है. रानी नहीं, हम भी जो मंगवा रही हैं मैं वही खा लूंगी. भाई मैं कह तो रही थी, आप सुनते ही नहीं है. ये यार, एक डील नंबर 1 लाए. देखे करो, ये कब से पी रहे हो तुम? लोगों में उठ बैठ रहे हो तुम, कहां से आते पड़ी तुम्हें? नहीं भाई, आदत नहीं है बस, कभी कभी. कभी कभी शुरू होते हैं लोग, कभी कभार से आदत पड़ जाती है इन चीजों की. और जरूरत क्या है, फायदा क्या है इसका? कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई फायदा तो नहीं है इसको. सॉरी भाई. देखो भान, मुझे बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, हमारे फ्यूचर से बहुत होप है यार. मुझे बहुत मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए, अब तुम ये सब कुछ करके जाया करोगे अपने आप को, और अम्मी को पता चल गया कि तुम ये हरकतें करते फिर रहे हो, क्या सोचेंगी, क्या गुजरेगी उम्मीद पे? नहीं भाई प्लीज, अम्मी को मत बताइएगा, मैं छोड़ दूंगा ये, बल्कि आज से ही छोड़ दी मैंने. इतनी फिक्र है तो फिर करते क्यों ये हरकतें? कोई फायदा नहीं इन कामों में मेरे भाई, मत जाया करो खुद. थैंक यू सर. आना नहीं देखूंगा.
भाभी मुझे पानी पिला दो। बहुत अच्छा किया, रानी को नौकरानी ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना। रख दो यहीं पे। और हाँ, कहाँ जा रही हो? अभी सोना नहीं है, किचन की हालत देखिए क्या हो रही है, इतना फैला हुआ है। तौबा अस्तगफार, हमारा किचन कभी ऐसा नहीं होता था, हाथ के हाथ बर्तन धोते थे हम लोग। बेबरकती होती है इस तरह, सारा काम करके निपटा कर फिर सोना। और हाँ, मैं सोने से पहले गर्म दूध पीती हूँ, सारा काम खत्म करने के बाद दूध गर्म करके मेरे कमरे में पहुंचा देना। चले ऊपर गरम। अम्मी अम्मी खाना लाई हूँ, खाना खा ले। नहीं खाना मुझे, ले जाओ यहाँ से। थोड़ा सा तो खा ले। समझ में नहीं आता तुम, एक दफा कहा है ना ले जाओ नहीं खाना। मैंने कुत्तों बाहर से अयाशियां करके आ रही हैं, खा खू के अच्छे खाने और मेरे लिए ये उठा के ले आई बासी। जानती हूँ मैं, नहीं ने कहा होगा तुम्हें मेरे लिए खाना लेके जाने को। ऐसा नहीं है। हम क्यों मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? क्या हासिल होता है आपको ये बातें करके? क्यों करती हैं ये बातें? नफरत, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। सुन लिया? तसल्ली हो? मगर क्यों अम्मी, मैंने आपके साथ ऐसा किया क्या है? तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना, अजाब बन के आई हो मेरे घर में। उसे इस घर में आई हो ना, यहां से खुशियां ही रोक गई हैं। मेरी खुशियों को छीना है तुमने, मेरी खुशियों की खातिर। आपको पता है मैं आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचती और ना ही कभी सोच सकती हूँ। शायद आपको यकीन ना आए लेकिन आप मेरे लिए उतनी ही मोतबर हैं जितनी नईम के लिए। समझ नहीं आती आपको यकीन कैसे दिलाऊं। तुम उल्टा भी लटक जाओ ना इस पंखे के साथ, तो मुझे यकीन नहीं दिला सकती। मम्मी आपको पता है एक घर की बुनियाद प्यार, मोहब्बत, एतबार और यकीन से होती है। अगर आप मेरा यकीन ही नहीं करेंगी तो साथ गुजारा कैसे होगा? अरे बस करो, ये अपनी ना बकवास लेक्चर बंद करो। जानती हूं मैं तुम्हें भी और तुम्हारे इस भाषण को भी, बड़े पढ़े लिखे खानदान से आई, जाहिलों का खानदान है, फलसफा झाड़ रही है मेरे सामने। अम्मी आपने मुझे जो कहना है कह लें, जितना बुरा भला बोलना है कह दें, मगर मेरे घर वालों को तो कुछ ना कहें। कहूंगी कहूंगी कहूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। जो किसी ने मेरा करने कर ले, है कोई माइकल आज जो मेरी जबान रोक सके? आपसे तो बात करना मुश्किल है अम्मी। जो औकात में रह के अपनी बात किया करो मुझसे, समझी? जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, उठा के ले जाओ नहीं तो मार दूंगी तुम्हारे मुंह पे। थक गई है, अभी अभी किचन साफ करके आ रही हूँ। इतने सारे बर्तन जमा हुए थे जबकि मैंने दोपहर को सारे बर्तन समेटे थे, फिर भी पता नहीं कहाँ से निकल आए। वैसे सारी आउटिंग का ना मजा किरकिरा हो गया। मैं तो समझ रही थी कि तुम और मेरे साथ अकेले जाएंगे, लेकिन चलो खैर, एक आउटिंग अम्मी और गुड्डी के साथ हो गई, लेकिन अगली बार हम दोनों अकेले जाएंगे।
बिल्कुल भी मजा नहीं आया। रेस्टोरेंट में अपनी मर्जी का खाना तक नहीं मिला मुझे। तुम लोग कैसे चले जाते हो यार वहां पर? वैसे मुझे गुड्डी पे बहुत हैरानी हुई, लगता नहीं है लेकिन माशाल्लाह से वो दो लोगों का खाना खा सकती है। राजा वैसे एक बात कहूं, मुझे गुड्डी का ना इस तरह से फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कोई काम कहे तो कम से कम इज्जत से तो कहे। मैं उससे रिश्ते में बड़ी हूँ, उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन वो तो ऐसे हुक्म जता रही होती है जैसे मैं उसकी कोई मुलाजमा हूँ। आपको ना समझाना चाहिए उसको, भाई हमारे यहाँ तो बहुत ख्याल रखा जाता है इस चीज का, किससे किस तरह से बात करनी है वगैरह वगैरह। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? कुछ कहेंगे नहीं? राजा राजा हद है, लापरवाही की भी कोई हद होती है, किसी को मेरा ख्याल तक नहीं। आप तौबा है, इफ़ी ने भी ना हद कर रखी है। हद हो गई भाई है? एक तो रात को देर तक पढ़ता है, फिर भूख लगती है, सारा किचन तहस नहस कर रखा है इसने। क्या हो गया मजी, सुबह सुबह किसको सुना रही हैं? अरे ये इफ़ी को और किसको है? पहले तो अपने हर गलत काम का इल्जाम ना रानी पे लगा देता था, वो बेचारी डांट खाती रहती थी। अब मुझे पता चला है कि असल मुजरिम है कौन। मेरी मासूम बहन बिला वजह उससे डांटे सुनती थी। अरे खैर इतनी भी बेचारी नहीं थी वो, पूरा फायदा उठाती थी वो भी, हाँ बदला भी ले लेती थी इफ़ी से। अच्छा खैर बेटा मुझे ये बताओ कि तुम क्या नाश्ता करोगे? कुछ भी बना दे अम्मी, आपको पता है मेरी कोई खास फरमाइशें तो होती नहीं है, जो भी आदत है। हाँ भाई अब तो फरमाइशें करोगे अपनी बेगम से, वही तुम्हारी फरमाइश का नाश्ता और खाना बनाया करेगी। नाश्ता हाजिर है। अरे उमा तुम खैरियत तो है ना बेटा, और ये नाश्ता क्यों लाई हो? आंटी सब ठीक है, सब खैरियत है। वो तो मैंने स्पेशल नाश्ता बनाया था आज नईम भाई और भाभी के लिए, भाभी के आने की खुशी में। मैंने सोचा कि आप लोगों के पास ना रानी है ना नादिया भाभी हैं, तो आप लोगों के लिए भी ले आई। अरे बेटा ये तो अब रोज की बात, खाम खा तुमने इतनी तकलीफ। आंटी क्या आप मुझे अपनी बेटियों की तरह नहीं समझती? मैं तो तुम्हें बिल्कुल अपनी नादो और रानी की तरह समझती, मगर फिर भी बेटा तुमने तकल्लुफ किया और अपने आप को भी तकलीफ दी। आंटी अब आप मेरी खुशी को तकलीफ का नाम देकर मुझे दुखी कर रही हैं। अच्छा चलो आओ बैठो, तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो, आ जाओ बैठो। गुड्डी तुम्हें पता है कि राजा किधर है? नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? डॉक्यूमेंटेशंस के लिए गए हुए। डॉक्यूमेंटेशंस के लिए मतलब? सऊदीया जाने की तैयारी कर रहे हैं ना। सऊदीया के लिए? हाँ वैसे भी उन्हें जाना ही था, यहाँ थोड़ी रहना था। अच्छा तुम्हें पता है कि वो कब जा रहे हैं? 3-4 दिन में। ओहो 3-4 दिन में, बताई देते सारा सामान पैक कर लेती। आपको क्या जरूरत है सामान पैक करने की? जी आई। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा।